नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक महाकवि भर्तृहरि। जितना सुंदर नीति शतक उससे सुंदर श्रृंगार शतक, और ये कहिए कि उससे भी सुंदर वैराग्य शतक। किसी ने ये प्रश्न भी किया कि तीनों शतक में श्रेष्ठ शतक कौन सा है, या किसकी भाषा शैली वगैरह की दृष्टि से कौन उत्तम है। तो हमें ये समझना चाहिए कि महाकवि भर्तृहरि ने कभी शतक नहीं लिखे हैं, उन्होंने तो ये सारे मुक्तक लिखे हैं। अब हमें जो जहां जिस तरीके से योग्य लगे, हमने उनको अलग अलग तीन संग्रह में विभाजित कर दिया है। इसीलिए कई बार कोई नीति का श्लोक आपको वैराग्य शतक में भी मिल जाएगा, और कोई वैराग्य का श्लोक आपको नीति शतक में भी मिल जाएगा। और चूंकि एक ही कवि की रचनाएं हैं ये, इसलिए सब में एक ही भाषा, एक ही श्रेष्ठता और एक ही काल की रचना है, इसलिए कौन किससे श्रेष्ठ है ये तो नहीं कह सकते हैं, पर अत्यंत उत्तम रचनाएं हैं। जैसे जैसे आप सुनेंगे आपको आनंद मिलेगा। अर्थानाम आशिषेत्वम वयमपिच गिराम मीष्महे यावदित्थम सूरस्त्वम वादि दर्प ज्वर समन विधा वक्षयम पाटवम नह सेवन्ते त्वाम धनांधा मति मल हतये मामपि श्रोतु कामा मय्यप्यास्था न चेत त्वयि मम सुतराम इस राजन गतोष्मी। भैया, यहां जो कहा गया है वो अपनी जगह ठीक होगा, लेकिन इन दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये भर्तृहरि ने कहा है। यहां एक विद्वान राजा से ये कह रहा है कि अगर आप धन संपत्तियों के स्वामी हैं, अर्थानाम ईशे तुम वयमपि गिरा मीष्महे, तो मैं भी वाणी का स्वामी। अरे, राजा को अपनी सत्ता का, अपनी संपत्ति का, अपनी शक्ति का अभिमान हो सकता है, तो मुझे भी गौरव है मेरी वाणी का, मेरी विद्वत्ता का। और वो गौरव जो है वो राजा के गौरव से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। राजा अगर अपनी शक्ति से शत्रु को पराजित करने की हिम्मत रखता है, तो मैं भी शास्त्रार्थ में जो वादी हैं उनके ज्वर को, उनके बुखार को, उनकी सारे अभिमान को खंडित करने में पटु हूं, सक्षम। यानी जैसे राजा का वैशिष्ट होता है कि वो दुश्मन पे विजय प्राप्त करे तो वो श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसे एक विद्वान का भी यही वैशिष्ट माना जाता है कि जब शास्त्रार्थ का नंबर आए तो वो सामने वाले को निःशब्द कर दे, उसको जवाब देते न बने इस स्थिति में पहुंचा दे। तो हे राजन, अगर आप अपने कार्य में कुशल हो तो मैं भी इस विद्या में महारत रखता हूं। जो धन की कामना करते हैं, ऐसे लोग अगर हमेशा आपकी सेवा में लगे रहते हैं, अगर आपको इसका बड़ा गौरव है, बड़ा अभिमान है कि देखो हमारे पास मांगने वालों की लाइन लगी रहती है, तो हमारे पास भी विद्या सुनने वालों की कोई कमी नहीं है। जो लोग अपने मन, अपने बुद्धि में से अज्ञान की समाप्ति चाहते हैं, श्रोतु कामा माम अपि, वो हमेशा मुझे सुनने की अभिलाषा रखते हैं। तो हे राजन, अगर आप मेरा सम्मान नहीं करते हैं, या अगर आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, तो मैं भी ये चला, मुझे भी आपकी कोई आवश्यकता नहीं। कई बार मेरे साथ तो ऐसा है,
मेरी जब कुछ वर्षों की नौकरी हुई थी तो एक बार किसी बात को लेकर के और खटक गई, तो हमने तो कहा ये लो अपनी आला माला धर्मशाला में, नहीं करनी नौकरी, हम छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना ये मेरा शौक है, इसमें मुझे आनंद मिलता है, मैं इसलिए इस कार्य के साथ जुड़ा हूं, ऐसा नहीं कि मैं धन कमाने के लिए इस नौकरी के साथ जुड़ा हूं। धन कमाने के तो बहुत रास्ते हैं। तो जो विद्वान होते हैं उन्हें गर्व अपनी विद्वत्ता का जब होता है तो फिर वो राजा लोगों के सामने या सत्ताधीशों के सामने कभी भी झुकते नहीं हैं। झुकना तो राजा को ही पड़ता है, सत्ताधीश को ही झुकना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं भर्तृहरि ने कहा स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा को तो कौन पूछेगा, कहां पूछेगा, अरे उसकी जगह पे उसके राज्य में उसको पूछा जाएगा। लेकिन विद्वान तो जहां जाएगा वहां उसकी पूजा होगी, वहां वो पूजा जाएगा। तो यहां एक विद्वान ने राजा से स्पष्ट कहा कि भैया आप अर्थ के स्वामी हैं तो मैं वाणी का स्वामी हूं, आप अगर सूरवीर योद्धाओं को पराजित करने की शक्ति रखते हैं तो शास्त्रार्थ में मैं भी किसी भी विद्वान को पराजित करने की शक्ति रखता हूं, अगर आपको धनांध लोग आपकी सेवा करते हैं तो जो ज्ञानांध हैं जिनको ज्ञान चाहिए, जो अज्ञान को मिटाना चाहते हैं, ऐसे लोग मुझे भी सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं, तो अगर आपको मेरी नहीं पड़ी तो मैं ये चला, मुझे भी आपकी कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।